तो वो खुद अच्छे है क्या? अच्छा वो तो समझ में आता है कि हैंडसम लड़का बोल लिया है। आप मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, बच्चों की बात का ध्यान नहीं मानते। हैंडसम वो क्या है? तब मैं उसको बोली देखो, इंसान को अपनी किस्मत पे क्या होता है ना, मैं बताऊं अपनी किस्मत पे भरोसा होता है। मैं बता रहा क्या होता है कि वो चार दिन जिम जाके ना इंसान को लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, बस और कोई बात नहीं। मैं उनको बोली अगर ये सब सोचेंगे ना हीरोइन या स्टार लोग तो वो लोग काम नहीं करेंगे, कोई भी काम होता ना वो लोग ये बोलते हैं। तू हैंडसम है ना, बात होता स्टार लोग का भी ये कहना है, कुछ भी काम आपको मिले उस काम के लिए अगर एक स्टार ने मना किया तो वो स्टार नहीं है। कोई भी काम के लिए मना मत करो तो ही तुम सक्सेस होगे। देखो भाई हम तो कह रहे हैं यार तू बहुत बड़ा स्टार है, तू ही सब कुछ है, लेकिन कल तुम्हारे साथ में वो लड़की काम कर रही थी ना वो भी थोड़ा मैटर कर रही थी। मैं उसको बोली वो मेरी तो मैं, अरे वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन बहुत अच्छी मीन्स बहुत अच्छी, लेकिन वो क्या है मैं बताता हूँ। तो तुम्हारी फ्रेंड है तुम्हारे साथ कम्फर्टेबल होना चाहिए ना, तुम्हारे साथ ही तो कर रही थी है नी, फ्रेंड के साथ में तो कुछ ये प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बात ये होती है देखो, एक मैं पता वो बता रही है तुम, तुमने भी ऑडिशन देखे या स्टार लोगों का इंटरव्यू देखा है, वो लोग क्या बोलते हैं, कभी भी जाओ ना कहीं पे भी कॉन्फिडेंस रहो और फ्री माइंड। अभी लोग जब एक्टिंग क्लास जाते हैं ना वो लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं, आप फ्री माइंड हो कि नहीं हो, फ्री माइंड हो ना तो ही इस लाइन में आ, राइट बोली कि नहीं बोली। फ्री माइंड वालों का ही ये काम है, कोई तुम्हारे साथ में देखो गलत बात कोई नहीं करता, सेट पे सब लोग रहते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर अगर हम लोग को अच्छे से नहीं बताएगा और हम लोग नहीं एक एक बार टच करके दोबारा करने की जरूरत नहीं, थैंक यू, तो वो अच्छा है ना ऐसे। मैं सोचा वो कुछ सीरियल वीरियल में काम किया होगा ऐसा जो बोल लिया है। नहीं उसको ना बॉडीगार्ड का रूप ज्यादा रहता है उसका, मतलब ये सीन ज्यादा उनको मिलता है। मेरे को बोलता मैंने उसमें काम किया, मैंने 25 काम कर चुका हूँ, 25 काम कर चुका बॉडीगार्ड का ही करा होगा ना। किसी किसी काम मतलब कोई कोई तो इतना ऊपर पहुँचने के बाद भी उसको एटीट्यूड नहीं होता, कोई कोई चार काम करके एटीट्यूड आ जाता है। मेरे को देखा मैं यहाँ सबसे बोलती हूँ कि भी ऐसा नहीं है, सब लोग अच्छे से भी फिर ध्यान भी रखते हैं ना, आपका ये दो एक काम है ना चार एक्स्ट्रा करता है। अरे वो कॉस्ट्यूम कौन ला के देगा? ऊपर देखो आईज मेकअप अभी मत करो, लेंस डालना है। हां तो एक फिर इधर लगा है अपना ऊपर ऊपर आईज मेकअप बाद में करो, बेस लगा है इधर, पानी निकलेगा फिर लेंस डालने पे तो भी टच अप करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं तो पड़ेगा लेंस डालने के। तो फिर आया नहीं लेंस नहीं है ना, तो क्या करूं? लेंस तो ये रहा, लेंस है। अच्छा डालो ना तो फिर करता हूँ, अब हो गया, अब तो आई फोन करनी है। कोई मेरे को लगता है लाके नहीं देगा, किसी को फिक्र ही नहीं है, मैं भी बैठी रहूँगी फिर नहीं लाके देगा तो। डायरेक्टर को बुलाओ ना वो मंगाएगा जल्दी काम करना है तो।